उत्तर प्रदेश में योगी सरकार इन सर्दियों में काफी मेहनत से काम करती नजर आ रही है। गरीबों को सर्दियों में रहने के लिए जगह जगह रैन बसेरा बनवाया जा रहा है और उसमें लोगों को अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं, जिसके लिए आज अली न्यूज़ की टीम अलीगढ़ के कठपुला घंटाघर पर सरकार के जरिए बनाए गए रैन बसेरा में पहुंची। आइए देखते हैं अलीगढ़ से अलीग न्यूज़ के लिए शहजी अब्बास के साथ वजीहा खान की ये रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ वजीहा खान अलीगढ़। जैसे कि आप सभी को पता है कि सर्दियां बहुत ज्यादा पड़ रही हैं। इतनी सर्दी के मौसम में हमारी योगी सरकार ने हम सभी के लिए, जो यहां पर गरीब लोग हैं, उन सभी के लिए कभी तो कोई कंबल बांट रही है तो कभी रहन बसेरे बना रही है। आइए हम लोग यहां पर जानते हैं रहन बसेरे की सच्चाई क्या है। आइए, जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो ये कंबल है, बिस्तर दिए जा रहे हैं, हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, तकिए भी दिए जा रहे हैं, गद्दे हैं, मतलब पूरा एक बेड की फैसिलिटी दी जा रही है। साथ में इनको दो दो कंबल दिए जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे यहाँ के रहने वाले लोगों से। यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है क्या वही असलियत है? यहाँ पर कुछ खाने पीने का सामान है और भी फैसिलिटीज होंगी जो इन लोगों को दी जा रही होंगी। आइए बात करते हैं यहाँ के लोगों से। क्या नाम है आपका? यहाँ पर जो रैन बसेरे में जो लोग हैं, के लिए ये बेड ऐसे ही खाली पड़े रहते हैं या फिर लोग यहाँ पर आकर रहते भी हैं? आपको बाहर देखा कितने देखेंगे आपके पास? जी बिल्कुल। उसके अलावा वो और भी अंदर आदमी खाना पी के घर से आता है। अच्छा। सब होता है, मांगने वाले होते हैं, सब कुछ होने वाले होते हैं, वो सब आते हैं। तो ये बेड मतलब पूरा फुल हो जाता है? फुल भर जाता है। इसके अलावा और जो वो भर दे, जो पलंग हमारे पास है। अच्छा अच्छा। 50 पलंग इस समय हमारे पास है, 50 पलंग हमारे पास मौजूद है। अगर और देर पड़ी तो और लगा देते हैं रात को। अच्छा, अच्छा। मतलब यहाँ पर और भी ज्यादा पलंग वगैरह लगा दिए जाते हैं अगर यहाँ पर जरूरत पड़ती है। हाँ, जरूरत पड़ती है। अच्छा, और यहाँ पे खाने में क्या क्या दिया जा रहा है? पहले चाय पिलाते हैं, चाय सुबह की चाय देते हैं, फिर शाम को चाय देते हैं, 9 बजे रात को बिस्कुट जो भी कुछ होता है खाने को बजा से लिया था, बिस्कुट पापे चेंज करते रहते हैं आइटम। अच्छा अच्छा। और जो खाने में दिया जाता है, रात के खाने में हो गया, दोपहर के खाने में हो गया? दोपहर का खाना नहीं मिलता। अच्छा, दोपहर का खाना? शाम को खाना देते हैं। अच्छा, रात को? अच्छा, जो भूखा होता है उसको जल्दी खाना खिला देते हैं और बाकी जो भूखा होता है तो खिलाई देते हैं सबको जाकर। तो जैसे कि अभी यहाँ पर दिखाया कि जो खाने पीने का सामान है वो सिर्फ एक ही टाइम दिया जाता है, लेकिन चाय 2 टाइम दी जाती है। क्यों? क्योंकि सर्दियाँ ज्यादा बढ़ रही हैं। आइए यहाँ पे बात करते हैं कुछ और लोगों। क्या नाम है दादा? जमील खान जी। जमील खान। जमील खान। तो हम आपसे पूछते हैं कि यहाँ पर जो आप लेटे हुए हैं, क्या आपको यहाँ पर आराम है? आराम है बेटा। अच्छा, तो ये जो कंबल है इससे आपको सर्दी? कंबल है, 3-4 कंबल, मान लो गद्दा है। अच्छा। और जो चदरा है जी, सब सुविधा बढ़िया है। ये सर आज ही आए, आज अभी आए, तो मतलब आपको आराम मिल रहा है? आराम मिल रहा है, इनको आज ही आएंगे। हाँ, सुविधा है सब बढ़िया। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर इनको 3-3 कंबल दिए जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारी योगी सरकार गरीब लोगों के लिए काफी ज्यादा सफलता कर रही है और उनको काफी ज्यादा लाभ पहुँचा रही है। अलीग न्यूज़ से शहजी अब्बास के साथ।